हमेशा जब भी चोट लगती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वुंड, वन इज टाइडी वुंड और सेकंड इज अनटाइडी। सामान्य भाषा में बोले तो एक तो बिल्कुल साफ सुथरा वुंड और दूसरा जिसमें कोई भी फॉरेन बॉडी हो, इन्फेक्शन हो, या मतलब जिसको देखने में तुमको साफ ना लगे, ठीक है। इन दोनों वुंड की मैनेजमेंट अलग अलग होती है। जैसे कोई भी चोट लगी और बिल्कुल साफ क्लीन वुंड है वो, तो उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमारी डॉक्टरी भाषा में उसको बोला जाता है कि हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन। उसका मतलब ये है कि जैसे यदि कोई भी वुंड है उनके दोनों के जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का आपस में स्टिच कर देंगे, स्टिच करके वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। इससे वुंड का जो गैप है वो कम होता है और जल्दी हील हो जाएगा वो। दूसरी तरह का वुंड हुआ जैसे लेसरेटेड वुंड बोलते हैं हम, कोई भी किसी को भी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो नीचे गिर गया, नीचे गिरने से उसके जो वुंड के मार्जिन्स होंगे वो रैक्ड होंगे, मतलब बिल्कुल जैसे क्लीन में बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू वो आ सकते थे, अप्रोक्सीमेट हो सकते थे। अनटाइडी और डर्टी वुंड्स में ऐसा नहीं है। तो उन केसेस में क्या करते हैं, दो तरह से हम मैनेजमेंट कर पाते हैं। पहली मैनेजमेंट, तो एक तो उनको हम सिर्फ ड्रेसिंग करें, रोज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, बीटाडीन से ड्रेसिंग करें, इन्फेक्शन लग रहा है तो एंटीबायोटिक दें और उसको अपने आप भरने दें, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक। तीसरा तरीका क्या होता है, ये टाइम लेता है क्योंकि कोई भी एक अल्सर होता है वो 1 से 2 मिलीमीटर हर दिन ग्रो करता है कम से कम, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डर्टी वुंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लीन में, और क्लीन में एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उनको आपस में प्राइमरी इंटेंशन दे। तो इसको बोलते हैं हम हीलिंग बाई डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, मतलब हमने उसको आपस में स्टिच तो किया लेकिन उसको डिलेड किया। तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी तरह का वुंड है तो उसकी मैनेजमेंट हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक सबसे जरूरी चीज होती है एंटीबायोटिक्स। कोई भी वुंड आता है हम उसको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इसको लेने के लिए हमें बहुत जुडिशियस होना होता है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक डर्टी वुंड में है प्रोफाइलेक्टिकली हम दे सकते हैं, जब तक कि वुंड में इन्फेक्शन ना हो हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, और एंटीबायोटिक भी यदि हमें देनी है तो उसका हम कल्चर और सेंसिटिविटी के टेस्ट होता है वो करवाएं, और उसके बाद जिस भी बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक काम करती है वो हम उसको एंटीबायोटिक